हेलो गाइस, वेलकम बैक टू रेनू ठाकरान व्लॉग्स। मेरा तो नहीं है, रेनू का है। और आज दोनों आज दोनों जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं वैसे? हम जा रहे हैं, वो सरप्राइज है। अच्छा, अभी बताना नहीं है कि मैं बता दी होगी, तेरी जबान डटा किधर है? नहीं, मामा के जा रहे हैं बस इतने। अच्छा, मामा के जा रहे हैं। वो दोनों की जो आज मैंने कपड़े पहन रखे वो भी बड़े खास है, और जो रेनू ने पहन रखे ये भी कपड़े बड़े खास है। रेनू यार घूमियो या लास्ट में दिखा दिए सर? लास्ट वीडियो भी दिखा। हाँ चलो, आपको मिलते हैं थोड़ी सी आगे। इतने में रेडी हो जाती हूँ। इतना या रेडी हो जा पिछले सही? नहीं 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 नहीं, ये गलत बात है। ना ना ना, के मैं बताऊं देख, तू किस टाइम आई? तू आई थी शायद से 10:30, 10:15, 10:30, 10:15 बजे से आई। और जब तक तू बस, या तो इसने ये पाउडर सा लगाया है, ये देखो, दिखाओ 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 ये भाई, दिखा दिया ठीक। सबने पता है मैं मेकअप ना करती, कुछ नहीं लगा रखा अपने फेस पे, सिर्फ फेस वॉश कर रखा है। ये देखो, हां कुछ नहीं है, रहने दे ठीक है, कसम से बस। यप, आई स्वेयर। और इधर देखो मेरे को आई, मैं ठीक आ गए कपड़े ना, बाल तो ठीक कर लूं, मेरे नहीं आ गए, मैं तो एक बच्चा पैदा करा, फिर भी फिर भी मैं ऐसी हो गई जैसी मैं थी। नहीं मैं के को, चलो मिलते हैं अब थोड़ी आगे, या डायरेक्ट गाड़ी में ही? गाड़ी में नहीं, रेडी होके। तो रेडी हो गई, बस दिखाओगी और क्या, अपनी वेशभूषा। हट जाओ अब आगे से, मुझे मना भी तो करने दे, बाल सेट हो गए, बहुत गंदे लग रहे हैं, कॉम कर लो इनमें। नहीं। चलो ठीक है, मिलते हैं थोड़ी देर में। गाइज मैं रेडी हो गई, अब बस नीचे जाके अपनी ज्वेलरी वगैरह पहननी है, अदरवाइज मतलब मेकअप की तो जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि मेरी ड्रेस ही इतनी प्रिटी है, तो इसमें मेकअप की और भी किसी चीज़ की जरूरत ही नहीं है। तो गाइज कमेंट करके जरूर बताना मैं कैसी लग रही हूँ। अब हम जा रहे हैं एक्चुअली मामा के यहाँ पे, और कुछ स्पेशल है तो वो बाद में पता चलेगा क्या है, मतलब मैं नहीं बताऊंगी, खुद देखना क्या है। तो गाइज चलते हैं अब। तो गाइज अब वीर को तो हम उल्लू बना के आ गए और निकल आए। रोएगा पता चलेगी उसे, क्योंकि साइड वाले कमरे में था वो, जो अगर उस मम्मी वाले बेडरूम में होता है ना तो उसे पता चल जाता है, कैमरे देख लेता है वो, टीवी बंद होता है ना कैमरे का, तो भी कहता है पापा ऑन कैमरा। और फिर हमेशा जा रहे हैं वर्षा और पी, और फिर आगे से भाई लेना है, फिर हम बस चारों जा रहे हैं, पापा मम्मी इस दिन जा रहे हैं क्योंकि मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, और पापा को भी घर पे रहना है, फिर मम्मी को अकेला नहीं छोड़ सकते थे, और फिर हमारी गाय भी अभी ब्याही नहीं है ना, तो कभी भी ब्याह सकती है, मतलब राधा, हाँ सॉरी राधा, शायद आज है उसका दिन, मे बी आज उसकी डिलीवरी हो जाए, हाँ नवमी वाले दिन कन्या माता आ जाए हमारे भी। तो गाइस देखते हैं अब चलते हैं आगे, काफ़ी अब वैसे लेट हो गए हैं, टाइम 12:05 हो गए हैं, तो देखते हैं कब तक पहुंचते हैं। भाई अब यहाँ पे ये हो रही है एंगेजमेंट की प्रिपरेशन, पहले वो जो थोड़ी सी सेरेमनी होती है वो हो गई। यहाँ पे है भाई मिस्टर दुल्हा, और यहाँ पे वो अपने फोटोग्राफ्स हो रहे हैं उसके अपनी मम्माओं के साथ, मौसी नंबर 1, मौसी नंबर 2, मौसी नंबर 3। अब चल रहे हैं हम अपनी ब्राइड को लेने, मतलब जिसकी एंगेजमेंट है, तो अब मिलवाते हैं, चलते हैं। यहाँ पे हमारे गेस्ट येरा देव, ये बच्चे खेल रहे हैं, तो अब चलते हैं अंदर। एक कुंजन के साथ सबकी फोटोज हो रही है, कुंजन अच्छी लग रही है, तो ड्रेस भी बहुत प्यारी लग रही है, पाल भी अच्छी लग रही है, सब अच्छे लग रहे हैं। ये हमारा फोटोग्राफर, अच्छी लगेगी, दूसरी लगा देगा फिर, रुक जा लगा, हाँ मेरे पास है कैमरा, अरे आइए, अरे वीडियो चला रहा अब दिखा इसे, अब अच्छी लग रही है ना, वीडियो बन रही है,
अरे वाह बना लंदा है भैया है ना खाने गए थे ठीक है फिर आप कितने पैसे कमा के लाए ओनली 20 फिर आपने उनका क्या किया मैंने अभी तो कुछ नहीं करा मैंने उनको अपनी ज्योमेट्री में संभाल के रखा और अभी मैं जब घर जाऊंगी तो मैं उनको 5 रुपए को उनको हाफ हाफ करके क्रैक लूंगी जिसमें लिख रही तो भाई देख लो आजकल के बालक सही है ये यहाँ चला कंजन का फोटोशूट क्या है अच्छा ये चिपक गया होगा वो दीवार में मारा उसने जूत सीनरी तोड़ दी खाना हो रहा है सबका मैंने खा लिया शायद मुझे बहुत ज़्यादा मिर्ची लग गई भाई खाना हो गया अब चलते हैं अपना घर की तरफ देखते हैं
तब तक फिर मिलते हैं। तो गाइस कल का व्लॉग एंड नहीं हो पाया था बिकॉज और अधूरा रह गया था। क्या था कि हम वहाँ से जब निकल रहे थे तो मतलब मैंने मम्मी से बात हुई थी मेरी, तो मम्मी ने मुझे बताया कि डॉक्टर को बुलाया है काओ के लिए, क्योंकि मम्मी पापा नहीं गए थे बिकॉज काओ के बेबी होने वाला था, मतलब ये इशू था थोड़ा सा उसके, काफ़ी दिन हो गए थे बेबी नहीं हो रहा था, तो फिर उसको प्रॉब्लम हुई होगी कुछ, तो फिर पापा ने बुलाया डॉक्टर को। तो फिर मैंने जस्ट फ़ोन किया मम्मी के पास कि मम्मी बता दो क्या हुआ है, कैसे अपनी राधा ठीक है या नहीं है। तो फिर मम्मी ने बताया कि राधा तो ठीक है लेकिन उसके जो बेबी हुई थी, बच्चिया हुई थी, वो नहीं रही। तो फिर वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ब्रेकडाउन था क्योंकि मैंने राधा को, छोटी सी राधा को हमने बड़ा होते हुए देखा है और ये जस्ट हमारी एक फैमिली की तरह है पूरा सब कुछ, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। हालांकि भाई पे मेरा मतलब थोड़ा सा ऐसे ऑफ सा हो गया था, बट फिर इन्होंने समझाया मुझे घर आके फिर मम्मी पापा ने भी कि बेटा ये तो देखो कि राधा ठीक है। हाँ ये भी बात थी कि राधा तो ठीक है एटलीस्ट, पर फिर भी एक होता है ना मन नहीं मानता, तो फिर मेरा व्लॉग बनाने का भी मन नहीं था, तो इसलिए तो गाइस अभी व्लॉग यहाँ एंड करती हूँ। तो अब मिलते हैं नए व्लॉग के साथ, तो प्लीज़ चैनल को शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय।